इन्होंने क्या लिखा है, सूरज भाई बेबी प्लानिंग कब करोगे? यार गाइज मैं भी बहुत उतावला हूँ बेबी प्लानिंग। हाय अर्शी, एक्सरसाइज करो नहीं तो अनफॉलो कर दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। और गाइज हम लेके आ चुके हैं दोबारा क्यू एन ए वीडियो। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार हम हर वीक क्यू एन ए वीडियोस लेके आएंगे। सो आप लोग कमेंट्स करो, भर भर के कमेंट्स करो, फिर हम उस कमेंट्स का आपको अपनी वीडियो में आंसर देंगे क्यू एन ए में, और आपका नाम भी लेंगे। तो चलो आज की क्यू एन ए वीडियो करते स्टार्ट। लेट्स गो। वैसे देखा जाए ना, इस बार जो भी कमेंट्स आए ना, वैसे तो हर बार ही आते हैं, बट इस बार भी ज्यादातर कमेंट अर्शी के लिए ही आए। हाँ। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं क्या अपना काम छोड़ू? बात तो सही है। मैं क्या करूँ? छोड़ना पड़ेगा तुमको अपना काम और ये पूरा यूट्यूब का जो भी, ये पूरा मेरा करियर बिजनेस है, यूट्यूब का जो बिजनेस है वो मेरे हाथ करना पड़ेगा। मेरा पूरा करियर खा गई यार ये। मुझे लग रहा है अब मेरे को ठेला, सब्जी का ठेला लेके चलाना पड़ेगा। वो भी अच्छी चीज है यार, वो कर सकते हो तू कर लेना फिर। अच्छी चीज है, घर की सब्जियां आएंगी है ना भैया, घर की सब्जियां आएंगी। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस फर्स्ट कमेंट मैं पढ़ता हूँ क्या है। फर्स्ट कमेंट मुझे लग रहा है हम दोनों के लिए ही है। ये है सदम खाप का, और इन्होंने क्या लिखा है, सूरज भाई बेबी प्लानिंग कब करोगे? यार गाइस मैं भी बहुत उतावला हूँ बेबी प्लानिंग। बेबी प्लानिंग करने के लिए, बट अभी थोड़ा मेहनत करने का टाइम है, थोड़ा घर बनाना है, थोड़ा कुछ सेविंग्स करनी है, मतलब थोड़ा फ्यूचर बनाना है, थोड़ा नाम बनाना है, थोड़ा कुछ करना है, उसके बाद बेबी प्लानिंग करना है। यार अभी हमारी एज भी नहीं है, अभी तो हम है बहुत टाइम है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कब करना है बेबी प्लानिंग, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, आप बताओ। पाँच साल बाद? 5 साल में सरकार चेंज, छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। मुद्दे तुम्हारे चेंज, उसके बाद बेबी का मुद्दा स्टार्ट होएगा। हाँ जी, चलो 5 साल बोला इन्होंने, बाकी देखते क्या पता अगले महीने, इस महीने, 9 महीने में हो जाए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, हम रोक नहीं सकते। बात तो सही है। बस सेकंड आप पढ़ोगी, लेट्स गो। हाँ ये मेरे लिए ही है, और ये है श्याम कुमार का कमेंट है ये। हाय अर्शी, एक्सरसाइज करो नहीं तो अनफॉलो कर दूंगा। यही ऐसी लोग चाहिए हमें, ऐसी चाहिए। मैंने भी ऐसे बोला, बेटा अगर एक्सरसाइज कर नहीं किया ना, मैंने ये नहीं दूंगा, दिलाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। सर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और आप अनफॉलो बिल्कुल मत करना, और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करना। मैं एक्सरसाइज वाली वीडियो भी आपको शेयर करते ही है हम लोग डेली व्लॉग में। तो थैंक यू। तो थैंक यू गाइज, ऐसे कमेंट आने चाहिए तभी ये करेगी, इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होना चाहिए ना। चलो अच्छी बात है, नाइस कमेंट। उसके बाद अगला कमेंट आया है BG32 1BG12, ऐसा कुछ है ये कमेंट किसी का है, बट यार इनका कमेंट ना मैं बताती हूँ, हर वीडियो में अगर आप सब लोग देखोगे भी ना, इनका कमेंट हर वीडियो में, और हर वीडियो में ये सेम बात ही कहते हैं। मतलब मेरे को अभी तक इनका वैसे समझ नहीं आया, मैंने ये सर्च भी किया था बट मेरे को समझ आया नहीं ये वाली चीज, बट मेरे को अब समझ आ गया। मैं एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं कि वो वीडियो है, लार्ज टावर रैप्ड ऑन हेड आइडिया पे वीडियो कब बनाओगे, तो मेरे को समझ ही नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आया भाई, मेरे को समझ आ गया, मैं बनाऊंगा टावेल बांध के, पूरा ऐसे लार्ज टावेल, इतना बड़ा टावेल बांध के। हाँ। वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, कोई ना पक्का ये कमेंट तो जिसने भी किया क्या, पक्का क्या, बनाएंगे क्या होता कुछ तो भी। आप जरा थोड़ा डिटेल में बताना, ठीक है, कमेंट करना ठीक है। नेक्स्ट है कमेंट मिस्टर क्रिएटिव, मिस्टर क्रिएटिव का आया हुआ है, योर कंटेंट डिजर्व मोर व्यूज। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो बहुत सही बोला आपने, सही में और व्यूज डिजर्व करते हैं हम, अगर आप लोग शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे, और हमारी वीडियो पूरी पूरी लेंथ वीडियो देखोगे तो आएंगे व्यूज, और आप लोगों के हाथ में होता है व्यूज आना नहीं आना, ठीक है, तो यूट्यूब के हाथ में तो नहीं होता, आप लोगों के हाथ में होता है, आप देखोगे, आप पसंद करोगे, खुद ब खुद आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, एक बंदा भी देखेगा फिर भी हम वीडियोस बनाएंगे अच्छी अच्छी। बाकी थैंक यू सो मच, आपने ऐसा बोला, ऐसा सोचा, उसके लिए प्यार हमारी तरफ से बहुत ज्यादा, मिस्टर क्रिएटिव आप बहुत क्रिएटिव, थैंक यू सो मच। अभी जो कमेंट है वो दार्जिलिंग से, जो सर हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, उनका कमेंट मैं रीड करने वाली हूँ। उनका नाम अनुज ऐसा कुछ वो है यार,
पता नहीं उनका यूजर नेम ही है, यूजर नेम आया हुआ है बट उनका नेम भी आता है अनुज ऐसा कुछ नाम है। तो जितना हंसोगे दिल उतना साफ होगा, अर्जी अर्जी सिस्टा दिल साफ है सूरज भाई तुम सूरज भाई गुड लक बहुत सुखी रहो फ्रॉम दार्जिलिंग। थैंक यू सो मच आपका कमेंट पढ़ के। मुझे तो लगता है हर हफ्ते आएगा दार्जिलिंग जो सर है ये उनका कमेंट और दार्जिलिंग का नाम हर आएगा जब तक हम दार्जिलिंग पहुंच के उनके साथ वीडियो शूट नहीं करते कि दार्जिलिंग वाले ये थे जिनका कमेंट आता था हम उनके घर पे खाना खा रही हूँ तब तक कमेंट आता रहेगा। और करते रहो यार कमेंट बहुत अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई। सो नेक्स्ट कमेंट है आरिफ उल इस्लाम का, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ईद आने वाली है, ईद मुबारक सबको। ईद से पहले रोजे आने वाले हैं, रोजे का बहुत हैप्पी रोजे, आप रोजे रखो और हेल्दी रहो। और ईद भी आने वाली है एडवांस में, मेरी तरफ से और अर्शी की तरफ से सबको, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को और फैमिली को सबको गुड विशेस और हैप्पी ईद, लव यू। हैप्पी रमजान बोलो ना, हैप्पी रमजान। चलो ये तुम फीलिंग नहीं समझती यार, तुम ना वर्डिंग में तुम ना करते यार गलतियां निकालते यार, बात तो सही है। उन्होंने आगे आगे भी लिखा है कुछ, बहन जी आप अभी तक मुस्लिम हो? तो मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ आपको। हाँ जी हम इंसान है तो हम इनका धर्म भी फॉलो करते हैं, मेरा भी धर्म फॉलो करते हैं। हाँ जी, और ये बात है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम ही हूँ अभी भी, है ना, मैंने अपना धर्म छोड़ा नहीं है। हम दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों चीज देखते हैं और दोनों रिलीजन को देखते हैं, दोनों क्या और भी जो हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। हम यार गुरुद्वारा में भी जाते हैं, मस्जिद में भी मानते हैं, हम ही मंदिर भी जाते हैं, हम क्रिश्चियन मतलब सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबको मानते हैं। और हम इंसान है तो हम इंसानियत भी मानते हैं, इंसानियत भी देखते हैं कि फीलिंग्स हो यार, ऐसा ना हो कि एक का होके नहीं रह लेना। जैसे कि कभी कभी एक का होके ऐसे हो जाता है कि हम मुस्लिम है तो फिर थोड़ा सा कट्टरपंथी आ जाता है, या हम हिंदू है तो थोड़ा सा वो आ जाता है, तो उस चीज़ में हमने ज़्यादा घुसना भी नहीं है। और हम इंसान है चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, और रिस्पेक्ट सबको, हेल्प सबकी करेंगे। और कभी हमें भी हेल्प चाहिए तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम हिंदू है या मुस्लिम है तो बस उनसे हेल्प लेंगे, सबको बोलेंगे कि हेल्प करो, तो आप लोग भी हमारे साथ रहना और हम भी आपके साथ रहेंगे। लव यू, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सना। हाँ सना तुम बोली, इन्होंने बोला सना था तुम बोली। तो इनका कमेंट है, अर्शी आप नमाज पढ़ती हो या वो भी छोड़ दिया बताना जरूर, प्लीज व्लॉग में मेरा नाम बताना मुझे अच्छा लगेगा, सना तुम बोली। तो हाँ जी मैं नमाज पढ़ती हूँ अपना। सना तुम बोली, तुम मेरे बीच में मत बोलो। अच्छा बोलो। हाँ जी मैं पढ़ती हूँ, मैं अपना जो भी है वो मैं करती हूँ, उसको मैंने नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और रमजान भी आएंगे तो उसका व्लॉग भी मैं शेयर करूंगी जरूर आपको, आपको फिर पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और नेक्स्ट कमेंट तुम तो बोलो। सो गाइस नेक्स्ट, हमने जो इतने सारे कमेंट लिखे थे, कोई को बहुत लेंथी कमेंट होते हैं, वो हम फिर लिखना लेट हो जाते हैं ना, तो हमने फिर स्क्रीनशॉट मारा हुआ, स्क्रीनशॉट में से देखते क्या क्या आए हुए हमारे पास कमेंट है ना। सोनूलू सोनूलू, ये मेरा सोनूलू, मैं इसका बाबूलू, सोनूलू बाबूलू। चलो नेक्स्ट, ये कमेंट मेरे लिए तो मैं पढ़ती हूँ। उनका नाम है कंट्री फास्ट, कंट्री फास्ट इनका चैनल का नाम है। तो उन्होंने बोला है अर्शी कुछ ज्यादा ही क्यूट और इनोसेंट है देखने में। हाँ दिखने में तो पता है ना, दिखना और होना बहुत अभी वहां से ऐसा कुछ नहीं है, वहां से ऐसा क्लिक होएगा और यहाँ से बर्तन क्यूट का पता नहीं, इनोसेंट तो मैं हूँ थोड़ी बहुत ही ठीक है, नहीं अच्छी। अच्छा ठीक है नेक्स्ट। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल कमेंट है गाइस, मेरे को तो कमेंट पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी डर लगता है यार, कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। ये है यूनिक मोटिवेशन, नाइस। तुम पढ़ोगे या मैं पढ़ूंगा? मैं पढ़ता हूँ, बहुत लंबा है ना, देख के ही डर गई पहले। चुप, बिल्कुल शांत, ठीक है शांत। भाई मेरी गर्लफ्रेंड भी मुस्लिम है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि उसको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। भैया मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए,
रिप्लाई जरूर कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। यार हमारी वीडियोस नहीं देखते हो यार फिर वैसे वाले क्वेश्चन पूछते हो यार, जिसको जो फॉलो करना, जैसे हम शादी के बाद भी ऐसा होता है कि जो मतलब कोई भी धर्म का हो, शादी होगी हो तो लड़का भी कोई और धर्म यूज कर मतलब मान सकता है, रिस्पेक्ट करके कर सकता है और लड़की भी कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। वो एक बिलीव होता है, एक अपने दिल की बात होती है, मानने की बात होती है ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बाकी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अगर वो नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, हम किसी को कुछ भी नहीं करवा सकते आज की डेट में तो। और दूसरी बात ये कि भाई अगर लव करते हो तो क्यों चेंज करना है या क्यों कुछ भी क्यों करना है ठीक है। और अगर आप फैमिली बोल रहे हो या उनकी फैमिली बोल रहे हो, पहले आप आपस में देखो, उसके बाद फैमिली को बनाओ, फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बोलो यार सबसे इजाजत लो, नहीं तो लास्ट में तो तुम्हें पता ही है ठीक है। अगर आप रह सकते हो तो रह लो, नहीं रह सकते हो तो मत रहो, फिर लेके आओ, यही बात हो सकती है ठीक है। ऐसे खज्जल नहीं होना ज़्यादा, आपका ना पॉइंट पता होना चाहिए आपको करना क्या है और कैसे क्या है ठीक है। गलत नहीं करना, गलत वे में नहीं करना, बट भाई प्यार करते हम कोई ना नशा कर रहे हैं, ना कुछ चोरी चकारी, ना किसी को कुछ करना, कुछ गलत नहीं है। प्यार करके शादी करके घर बसाना अगर गलत होता है तो यार ये पूरी वर्ल्ड में ना सबने गलत किया है, शादी करके घर बसा के फैमिली, वो तो अच्छी बात है ना कि भाई अपने प्यार मनपसंद लड़की से प्यार करके मैं शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, तो फिर अगर जिसको दिक्कत होती है तो फिर उसको दिक्कत होती रहेगी ठीक है। और दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, थोड़ा शादी यार बंदे क्या क्या कर लेते हैं, चांद में पहुंच जाते हैं, आप लोग यहाँ कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। सो गाइस यही है इसका आंसर, आप प्लीज देखना। रुको यार अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक कमेंट रह गया था तो हमने सोचा हमारे यार कमेंट करने वाले इंपॉर्टेंट है तो हम करेंगे कमेंट का रिप्लाई ऐसे करेंगे, अभी हमने पहले उसमें लगा रखा था अभी हम ऐसे ही बताएंगे। ये कमेंट किसका बताओ? ये है शाहिना परवीन का कमेंट है और इन्होंने लिखा है, बहुत ही क्यूट लगे मुझे आप दोनों, आज ही आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और आज ही आपका लव स्टोरी वाला सारा वीडियो देख लिया और सो क्यूट कपल, खुदा आप दोनों की हिफाजत करे, सलामत आप दोनों सलामत रहे। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा कमेंट था यार, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच और हमारे सब्सक्राइब करने के लिए, आप और भी वीडियोस आएंगी, आप सारी वीडियोस को कमेंट शेयर और लाइक करना। थैंक यू सो मच आपने कमेंट किया। क्या नाम था इनका? शाहिना परवीन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कमेंट लगा और जितना अच्छा कमेंट था मुझे लगता है आप भी उतने ही अच्छे हो, तभी आप ऐसा सोच और इतने अच्छे कमेंट, इतने अच्छे वर्डिंग लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड सपोर्ट करो यार थोड़ा सा प्लीज, आई लव यू, बाय।